ज्ञानचंद्र यादव जी जगह 2 दिन का जगह एसपी झुंझुनू का भी रिया, यानी कि सबसे कम समय के लिए वहां पे बॉस का आएंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए झुंझुनू का एसपी रिया और बन को भी ट्रांसफर हो। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलगांव झुंझुनू। और अभी आप झुंझुनू का एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने और झुंझुनू का जगह एसपी है हमारा चेंज होगा, ज्ञानचंद्र यादव जी जगह 2 दिन का जगह एसपी झुंझुनू का भी रिया, यानी कि सबसे कम समय के लिए वहां पे बॉस का आएंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए झुंझुनू का एसपी रिया और बन को भी ट्रांसफर होगा। लेकिन फिर भी आप बन करने जाऊंगा और जानने की कोशिश करांगा कि झुंझुनू 2 दिन की पोस्टिंग रही तो झुंझुनू भी आया तो किसो अकबान लाग रहे है और के प्लानिंग की है 2 दिन के बना करी और नया जगह एसपी साहब ही वह अपना राज ऋषि राज वर्मा जी जगह ही पे होगा झुंझुनू का नया एसपी। थैंक यू। हमारी जो पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के सफल पूर्वक लागू करने के लिए हम एक टीम के रूप में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों जवानों के साथ मिलकर जो ध्येय है आमजन में विश्वास और अपराधी में डर उसको हम लागू करेंगे। और दूसरा जो सीमावर्ती राज्य का हमारा जिला है उसके लिए हम वहाँ की जो पूर्व अधिकारी लगे हुए हैं उनसे चर्चा करके क्या समस्याएं हैं और उनके कैसे अधिक से अधिक निगरानी करके कार्रवाई की जा सके उसके ऊपर हम हमारी कार्य योजना तैयार करेंगे। और इस संबंध में पहले भी कार्रवाई की हैं और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे और सघन गश्त और नाकाबंदी करके जो भी आपराधिक गतिविधियाँ वहाँ से होती हैं उनको हम रोकेंगे और यदि कोई किसी पूर्व में वांटेड है उनको गिरफ्तार भी करेंगे। आरोपी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनाम की घोषणा की जाती है और उसमें इनाम होता है, उसमें इनाम का मकसद ये होता है कि उसमें आम जन भी हमें सूचना देवे और जो हमारा पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी लगा हुआ है वो भी मोटिवेट होके उस इनामी को गिरफ्तार करे, ये पुलिस मुख्यालय की मंशा है। और वीडियो देने मतलब लगे जी साहब से इस साहब को खड़ो है कि पड़ोसी राज्य की जी पुलिस है बनकर साथ में सामंजस्य बनाना बनको प्रमुखता बनकर रहेगी क्योंकि पड़ोसी राज्य के साथ में अगर बनकर जी पुलिस है क्योंकि आप लास्ट टाइम आप देखे हो कि के हिसाब से राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस की आपस में झड़प हुई तो आपस में अगर सामंजस्य रहोगे तो कोई भी जो मामलों है वो जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकेगा। थारो के मानना है कि 2 राज्य की पुलिस के बीच में सामंजस्य होना कितनों की जरूरी है हमारे बड़े जरूर बताओगा। और अपना जगह नए एसपी साहब राज ऋषि राज वर्मा जी बन को भी आप इंटरव्यू लेने का प्रयास कराँगा और बन का के विचार ही कि प्लानिंग है झुंझुनू लेके क्योंकि चुनाव अगर नज़दीक आ गए ही मैं सब बातचीत कराँगा। तो नयो जो वीडियो आना है तैयार रहना है जल को झुंझुनू के साथ में जुड़े रहना है। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।